उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले लाए गए अनुपूरक बजट से योगी सरकार ने ना सिर्फ अपने घोषणा पत्र के कुछ बचे वादों को पूरा करने की ओर कदम बढ़ाया है बल्कि चुनावी गणित भी सादा है मानसून सत्र के अंतिम दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौजवानों के लिए तौर पर उपहारों की बरसात कर दी उन्होंने घोषणा की कि एक करोड़ युवाओं को टैबलेट या स्मार्टफोन दिया जाएगा प्रतियोगी छात्रों को तीन परीक्षाओं तक भत्ता दिया जाएगा तो संस्कृत छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था सरकार करने जा रही है आगे उन्होंने कहा सरकार ने तीन हजार करोड़ की निधि बनाई है इससे एक करोड़ नौजवानों को टैबलेट या स्मार्टफोन दिया जाएगा इसके पात्र स्नातक परास्नातक तकनीकी या डिप्लोमा के छात्र होंगे उन्होंने जरूरत के अनुसार डिजिटल एक्सेस भी मुफ्त मिलेगा अगली घोषणा भी युवाओं के लिए ही थी योगी ने कहा कि कार्पोरेट सोशल रेंस्टाबिलिटी यानी कि सी एस आर फंड अन्य वित्तीय संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के सहयोग से तीन हज़ार करोड़ रुपए का एक बड़ा कोष गठित किया जाएगा उसे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए परीक्षार्थी को तीन परीक्षाओं तक सरकार भत्ता देगी ऐसे वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद